डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक जो है हमारा आज जैक एंड जिल। यहाँ पे है बच्चों एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, यानी एक सेब और एक संतरा। फिर है ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। ए हैट ए बैट एंड ए बॉल, एक बल्ला और एक बाल। ए हॉर्स एंड ए मैन, एक घोड़ा और एक आदमी। ए गोट एंड ए शीप, एक बकरी और एक भेड़। ए लायन एंड एन एलिफेंट, एक शेर और एक हाथी। ए पाइनएप्पल एंड ए बनाना, एक अनानास और एक केला। ए हेन एंड ए पिन, एक मुर्गी और एक पिन। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो मुख्तलिफ किस्म की जो है शेप दी गई हैं। जैसे हमने देखा सबसे पहले एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, ये वही है जहाँ पे हमने देखा कि ए कहाँ इस्तेमाल होता है और एन कहाँ इस्तेमाल। ये जो एप्पल है, एप्पल के शुरू में जो पहला लेटर जो है वो ए है, तो ए जो है ये वावल है, इसलिए वावल जहाँ भी होगा उससे पहले जो होगा एन लगे। एन एप्पल यानी एक सेब। एंड एन ऑरेंज, ओ भी जो है ये भी वावल है, इसलिए इसके पहले भी एन लगाया गया है। एन एप्पल एंड एन ऑरेंज यानी एक सेब और एक संतरा। और उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों एक लड़का है और एक लड़की है, तो यहाँ पे है ए बॉय एंड ए गर्ल। तो यहाँ पे क्यों लगा एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ जो बी है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगा। तो उसके बाद जो गर्ल है जी, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले भी जो है जो ए लगाया गया। ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ पे ए बैट एंड ए बाल, एक बल्ला और एक बाल। तो बी जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले है ए और फिर दोबारा जो बाल है उसका भी पहला लेटर बी है, तो इससे पहले भी लगाया गया ए बैट एंड ए बाल, एक बल्ला और एक बाल। तो यहाँ पे एक आदमी को आप देख सकते हैं कि इसने इस घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, तो यहाँ पे ए हॉर्स एंड ए मैन, एक घोड़ा और एक आदमी। तो यहाँ पे ए जो है, एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए लगाया गया है, और एम भी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी ए लगाया गया है, यानी एक घोड़ा और एक आदमी। तो यह है ए गोट एंड ए शीप, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है शुरू से, तो इसलिए जी से पहले भी ए लगाया गया और एस से पहले। ए गोट एक बकरी एंड ए शीप एक भेड़। तो यहाँ पर ए लायन एंड एन एलिफेंट, एक शेर और एक हाथी। यहाँ पर एल जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए लगाया गया, और यहाँ एलिफेंट जो ई जो है ये एक वावल है, इसलिए इससे पहले एन लगाया गया, यानी ए लायन एंड एन एलिफेंट, एक शेर और एक हाथी। यहाँ पे नीचे ए पाइनएप्पल एंड ए बनाना, एक अनानास और एक केला। यहाँ पे पी भी कॉन्सोनेंट है और बी भी कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके सामने ए लगाया गया है। तो यहाँ पर है ए हिन एंड ए पिन, यानी एक मुर्गी और एक पिन। एच भी जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए है, और ये पी जो है इससे सामने भी ए है, यानी ए।